सो वेलकम एवरी वन और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन्यूज ऑफ द चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट सो लेट्स स्टार्ट तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन एडिशन ऑफ कॉन्ग कैच टू एसओ फोर टू क्लोराइड साल्ट कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड बट इन केस ऑफ आयोडाइड साल्ट वोलेट फ्यूम्स कम आउट दिस इज बिकॉज तो वोलेट फ्यूम्स आता है इसका मतलब कि आयोडीन बनता होगा तो आयोडीन बनता है तो क्या है कि जैसे कि एक, एक साल्ट ले लिए आयोडाइड साल्ट जैसे सोडियम आयोडाइड और इसका रिएक्शन करा दिए एच टू एस ओ फोर से तो एन ए टू एस ओ फोर बनता है ठीक है और एन ओ टू एस ओ फोर बनता है और एच आई बनता है अब जो एच आई है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और जो एच टू एस ओ फोर है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एच टू एस ओ फोर क्या करता है कि एच आई को आई टू में ऑक्सीडाइज कर देता है ठीक है एच आई में आई पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है माइनस वन और आई टू में जीरो है तो देख सकते हैं कि एच हाँ आई जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है आई टू में तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थ्री एच आई गेट्स ऑक्सीडाइज टू आई टू तो आयोडीन बनता है तो इसलिए वोइलेट फ्यूम्स इवॉल्व होता है ठीक है और ये सब तो चेक कर सकते हैं यहाँ एच हाँ, आई से आई टू रिड्यूस नहीं हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया और वोइलेट फ्यूम है तो इससे श्योर हो जाइए कि आ, आयोडीन बना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, विन एच टू एस इज पासड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट एच सी एल ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विथ एच एन ओ थ्री इट फॉर्म्स सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर एडिशन ऑफ एक्सेस एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया टू दिस सॉल्यूशन गिव्स तो ब्लू सॉल्यूशन बना रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि ये कॉपर होगा तो क्या है कि ऐसा रिएक्शन आपको ये रिएक्शन फाइंड करना है तो ब्लू से ये पता चल रहा है कि ये ज़रूर ही कॉपर का कोई ये साल्ट ले होंगे तो जैसे कॉपर का कोई साल्ट ले लिया ठीक है अब उससे जब हम एच पास कराते हैं तो क्या होगा कि कॉपर सल्फाइड बनेगा कॉपर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है अब तो देखिए यहाँ पे दिया था कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वही कॉपर सल्फाइड का बन रहा है अब उसको क्या करेंगे कॉपर सल्फाइड का जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बना अब उसका रिएक्शन डाइल्यूट एच एन ओ थ्री में उसको बॉइल बॉइल करेंगे तो क्या होगा कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा वो है कॉपर नाइट्रेट तो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा अब है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया अब इससे क्या करेंगे एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे तो एडिशन ऑफ एक्सेस अमोनिया टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट तो जब कॉपर नाइट्रेट और अमोनिया रिएक्ट करेगा तो कॉपर टेट्रा अमीनो टू प्लस कैटाइन बनेगा ठीक है ये डीप ब्लू कलर का होता है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है ठीक है तो ये बनता है डीप डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टेट्रा अमीनो टू अमीनो टू प्लस चार टू प्लस कैटाइन बनेगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टेट्रा अमाइन टू प्लस आयन तो अब जो क्वेश्चन है इन्हें साइक्लोट्राइमेटा फोस्फोरिक एसड मोलिक्यूल हाउ मैनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट तो ये जो क्वेश्चन है ये फोस्फोरस से है जो कि इस पर हट गया टर्म वन में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट थ्री डबल बॉन्ड्स एंड नाइन सिंगल बॉन्ड्स ठीक है तो फर्स्ट इसका करेक्ट है अब तो अब है क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तो नाइट्रोजन जो है वो पी पाई पी पाई बॉन्डिंग करता है ठीक है और तो ये ग्रुप फिफ्टीन का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड नंबर है ठीक है वो है फोस्फोरस फोस्फोरस जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड नंबर है अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल तो इसमें क्या करिएगा कि इलेक्ट्रॉन आप काउंट करिएगा जिसका जिस दोनों आयन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा ठीक है और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा तो स्ट्रक्चर तो लग ही रहा है कि सबका सिमिलर है ठीक है तो इसका जो आप काउंट करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा ठीक है सी ओ थ्री टू माइनस और एन ओ थ्री माइनस इसमें काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन कार्बन में आउटर मोस्ट सेल में जो चार इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में सिक्स इलेक्ट्रॉन तो सिक्स थ्री जाए एटीन और एटीन और फोर हो गया ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू और टू माइनस मतलब दो और इलेक्ट्रॉन है तो टोटल ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन हो गया सी ओ थ्री टू माइनस में अब एनओ थ्री माइनस में देखते हैं तो नाइट्रोजन में टोटल फाइव हो गया आउटर सेल में और ऑक्सीजन तीन तो सिक्स थ्री है एटीन एटीन और फाइव हो गया ट्वेंटी थ्री और एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो टोटल इसमें भी ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर अब है सिक्स नंबर क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज़ इन द ग्रुप From fluorine to iodine, which of the halogen acids should have highest bond dissociation enthalpy? to तो नीचे जाने पर ye ये HF, hcl hbr hi सी जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज़ करता है वैसे इसमें पूछ रहा है बॉन्ड डिसोसिएसन इन थेलपी किसका हाई होगा तो एच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे कम होता है और एच का सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए एच का सबसे लीस्ट होता है बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी और एच का सबसे हाई होता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर अब सेवन नंबर क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन में बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी दिया हुआ है आपका ई और एच ई ई और एच के बीच का ठीक है ई जो है वो एलिमेंट है नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक और ये एंटीमनी तो इसका सारा का दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन इन्थेल्पी और इसमें बताना है कि विच कंपाउंड्स विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो दूसरे को रिड्यूस कर दे तो दूसरे को रिड्यूस करेगा मतलब कि हाइड्रोजन देगा तो जो सबसे ईजिली हाइड्रोजन देगा वो है एस बी एच थ्री ये इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी जो है सबसे कम है और ईजिली हाइड्रोजन लूज़ कर देगा जो दूसरा एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर एस बी एच थ्री अब एट नंबर देखते हैं एट नंबर है ऑन हीटिंग विथ कॉन्सनट्रेटेड एन एच सॉल्यूशन इनर्ट एटमोसफेयर ऑफ सी ओ टू विथ फोस्फोरस गैस गिफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट तो ये जो क्वेश्चन है ये फोस्फोरस से क्वेश्चन है और इसमें जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है पी एच थ्री तो पी एच थ्री जो होता है वो आ, ये आ, इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है पी एच थ्री के बारे में ये सारा दिया हुआ तो इट इज़ हाईली पॉइजनस एंड हैज स्मेल लाइक रोटेन फिश सही है इट्स सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये भी सही है थर्ड नंबर इट इज़ मोर बेसिक देन एन एच थ्री ये गलत है एन एच थ्री जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनीटि एन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनीटिव है तो ये सारे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन पे हाई हो जाता है तो ये ज़्यादा बेसिक होता है देन पी एच थ्री तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है थर्ड नंबर ये गलत है पी एच थ्री इज़ लेस बेसिक देन एन एच थ्री ये सही है ठीक है इसमें जो थर्ड वन है वो गलत है अब नाइन नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ साल्ट फॉर्म्स थ्री सीरीज ऑफ साल्ट थ्री सीरीज ऑफ साल्ट कौन सा बनाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर एस थ्री पी ओ फोर अब टेन नंबर ये भी सब जो है सो फोसफोरस ही है तो टेन नंबर है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ एच थ्री पी ओ टू इज़ ड्यू टू तो ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर है इसमें क्या होता है कि वन ओ एच ग्रुप होता है और दो पी एच ग्रुप होता है ठीक है तो इसी कारण इसका इसका जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ फोर्थ तो नहीं है थर्ड नंबर प्रेजेंस ऑफ वन ओ एच ग्रुप एंड टू पी एच ग्रुप तो अब तक नाइट्रोजन का फोस्फोरस का क्वेश्चन था अब स्टार्ट होगा फिर से आपका जो सिलेबस में है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन एंड लीड तो जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एनओ टू बनता है ठीक है और ये लीड ऑक्साइड बनता है ठीक है तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ठीक है एनओ टू एंड लीड ऑक्साइड अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच एलिमेंट शो डज़ नॉट शोज एलेक्ट्रॉफी तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है ये ग्रुप फिफ्टीन से दिया हुआ है नाइट्रोजन बस्मत एंटीमनी आर्सेनिक और ग्रुप फिफ्टीन में सब एलेक्ट्रॉफी शो करता है सिर्फ नाइट्रोजन शो नहीं करता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर अब है मैक्सिमम को वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ तो नाइट्रोजन के पास तीन टोटल फाइव इलेक्ट्रॉन है जिसमें से ये तीन शेयर कर सकता है तीन से बॉन्ड बनाता है ठीक है और जो फोर्थ बच जाता है लोन पेयर के फॉर्म में उससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ठीक है तो इसके पास टोटल uh, ये इसके पास डी डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है तो इसलिए ये अपना एक वैलेंसी एक्सपांड भी नहीं कर सकता है तो ये तीन इलेक्ट्रॉन से क्या करता है कि बॉन्ड बना लेता है और एक जो लोन पेयर होता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो टोटल मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो है थर्ड नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो इसमें है फर्स्ट नंबर सिंगल एन एन बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन सिंगल पी पी बॉन्ड तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है एन एन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ठीक है पी पी बॉन्ड उससे सिंगल एन एन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये फर्स्ट ही आपका गलत है और बाकी सब देखिए पी एस थ्री एक्टर्स लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ ट्रांजिशन एलिमेंट ये सही है एन ओ टू इज़ पैरा मैग्नेटिक इन नेचर तो इसको जब काउंट करेंगे तो सेवेंटीन इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो ये सही है पैरा मैगनीटिक नेचर कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन एन टू ओ फाइव इज़ फ़ फ़ोर तो ये भी सही है एन टू ओ फाइव में फोर होता है कोवैलेंसी नाइट्रोजन का इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए एंड ड्रा करिए और उसमें देख सकते हैं कि एन टू ओ फाइव का ये कोवैलेंसी जो है वो फोर होता है अब फिफ्टीन नंबर है ब्राउन रिंग इज़ फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट में पढ़े होंगे ठीक है नाइट्रिक एसिड जिस टॉपिक में था ये तो वहाँ पर जो कंपाउंड बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट में वो बनता है एफ ई एच टू ओ फाइव एन ओ होल्ड टू प्लस ठीक है तो ये वाला कंपाउंड बनता है तो इसका नेम याद रख लीजिएगा यही ब्राउन रिंग बनता है इसी कारण ब्राउन रिंग होता है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फिफ्टीन फॉर्म्स कंपाउंड इन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट हाउ एवर बिस्मत फार्मस ओनली वन वेल कैरेक्टराइज कंपाउंड ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट द कंपाउंड इज तो ये इस बुक का लाइन दिया हुआ है बिस्मत फार्मस ओनली वन वेल कैरेक्टराइज बिस्मत फॉर्म्स ओनली वन वेल कैरेक्टराइज कंपाउंड इन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन इस्टेट ये बुक का लाइन है और वो जो है कंपाउंड वो है बी आई एफ फाइव ठीक है तो ये याद रखिएगा ये तो अब क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बैरियम एजाइड वी सेपरेटली गेट तो ये डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ा था कि अमोनियम डाइक्रोमेट से भी डाई नाइट्रोजन बनाते हैं और बैरियम एजाइड से भी बनाते हैं बैरियम एजाइड बी ए एन थ्री होल्ड टू तो तो इसमें दोनों ही केसेज में नाइट्रोजन में बनता है तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर एन टू इन बोथ केसेस अब क्वेश्चन नंबर एटीन है इन प्रिपरेशन ऑफ एच एन ओ थ्री वी गेट एन ओ गैस बाई कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया द मूल्स ऑफ एनो प्रोड्यूस्ड बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ टू मूल्स ऑफ अमोनिया तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये रिएक्शन पे है जब ये जो एच एन ओ थ्री का जो रिएक्शन था उस पर बेस्ड है इन द प्रिपरेशन ऑफ एच एन ओ थ्री वी गेट एनो गैस बाई कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया द मोल्स ऑफ एनो प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ अमोनिया इज तो हम जितने भी इसका रिएक्शन अब जब देखेंगे तो जितने हम मोल्स अमोनिया के लेते हैं उतने ही मोल्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के भी बनते हैं तो अगर चार चार बुक में दिया हुआ है जो रिएक्शन है उसमें चार अमोनिया का चार अमोनिया है चार अमोनिया का मोल है तो इसलिए वहाँ पर चार एन ओ बना है तो जब दो अमोनिया दो मोल्स ऑफ अमोनिया होगा तो दो मोल्स ऑफ एन ओ बनेगा ठीक है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर अब नाइन्टीन नंबर क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एच टू पी ओ टू तो एन ए पे प्लस वन हो गया एच टू पे प्लस टू हो गया ओ टू पे माइनस फोर हो गया तो टोटल प्लस थ्री माइनस फोर तो माइनस वन हो गया और पी का एक्स मान लिए तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो इसलिए x इक्वल टू प्लस वन तो यहाँ पे फुसफोरस पे जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लस वन थर्ड नंबर ऑप्शन अब है ट्वेंटी नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टेटरा इन सेप तो टेटरा सेप किसका नहीं है तो एन एच फोर प्लस का तो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो एस एफ फोर में देखिए एस एफ फोर में क्या है कि चार फ्लोरीन से सल्फर जो है वो बॉन्ड बना रहा है तो एस पी तो यहाँ पर चार बॉन्ड बना रहा है एफ चार एफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल फ्लोरीन एटम से और इसके पास टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन है वेल आउटर मोस्ट सेल में तो दो इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है ठीक है तो वो लोन पेयर हो गया तो चार बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर तो टोटल इसमें जो और पाइटल्स हो गया वो हो गया फाइव जिसके कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हो गया एस पी थ्री टी तो इसलिए इसका जो आ, सेप होता है वो टेट्राहीडल नहीं होता है सेप ये सीसो सेप बनाता है और ट्राइगोनल बाई होता है जियोमेट्री इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर एस एफ फोर तो अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट अब ट्वेंटी वन भी कर लेते हैं ठीक है ये इसमें बताना है पेरोक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कौन सा है ठीक है तो वो फर्स्ट नंबर है जिसमें पेरोक्साइड ग्रुप हो तो एच टू एस ओ फाइव और एच टू एस टू ओ एट ये सब नहीं है ये एस टू एस टू ओ सेवन एस टू एस टू ओ एट ये दोनों नहीं है इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा इसको वैसे मैंने ये लेक्चर बनाया था ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर उसमें लर्न करना सिखाया था कैसे इसको याद रखेंगे तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बच गए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे सो थैंक यू एवरीवन